टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स गाइज, डिड यू सी दिस वट आई हैव टू कम टूडे इन फ्रंट ऑफ यू? ओके, आई थिंक यू आर गेसिंग. येस ऑफकोर्स, टूडे आई हैव टू कम इन फ्रंट ऑफ यू विद योर इंग्लिश गार्डन बुक. एंड ऑफकोर्स इफ योर बुक इज़ इन इंग्लिश गार्डन, सो योर टॉपिक इज ऑल ऑल्सो इन अ इंग्लिश बुक. सो क्या आज का टॉपिक क्या है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो जस्ट हैव अ लुक विद मी, जस्ट लुक एट दिस गाइज. टुडे चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द रेड बर्ड ट्री. आज हम रेड बर्ड ट्री के चैप्टर का एक छोटा सा पैसेज पढ़ेंगे और इसके साथ ही हम ये आपको बताएंगे कि आप उस पैसेज से क्वेश्चन आंसर को कैसे कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, कि अगर आपको कोई पैसेज दिया हुआ है और उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप कैसे उन क्वेश्चन का आंसर उन पैसेजेस से आइडेंटिफाई करके, फाउंड करके लिख सकते हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, द रेड बर्ड ट्री. ओके, सो दिस इज़ योर पैसेज. हम आज फर्स्ट पैसेज सिर्फ पढ़ेंगे और सिर्फ उसी के बारे में इंट्रो करेंगे. और फर्स्ट पैसेज हमारा होगा यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये हमारा फर्स्ट पैसेज होगा. सो स्टार्ट विद मी. वंस अपॉन अ टाइम मीन्स बहुत समय पहले की बात है. वंस अपॉन अ टाइम इन द सिटी ऑफ बनारस, बनारस शहर में, There were 4 young princes. वहाँ पे 4 young princes. Princess का मतलब होता है राजकुमारी और prince का मतलब होता है राजकुमार. लेकिन यहाँ पे राजकुमार से ही है, क्योंकि अगर princess होता तो double S लगता. Okay? So इसका मतलब राजकुमार से है कि यहाँ पे 4 राजकुमार रहते थे. दे हैड हर्ड मैनी स्टोरी अबाउट द ब्यूटिफुल रेड बर्ड ट्री. उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी थी, जो रेड बर्ड ट्री था, जिसको लोग कहते थे कि बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, उसके बारे में उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी थी. इट ग्रो डीप इन द फॉरेस्ट. जो वो रेड बर्ड ट्री था वो घने जंगल में था, वो वहीं पे निकलता था, कहीं और वो नहीं निकलता था, वो सिर्फ घने जंगल में ही ग्रो करता था. डीप का मतलब घना, फॉरेस्ट में जंगल. ईच ऑफ देम विश टू सी इट. सभी लोग की इच्छा होती थी एक बार उसको देखने की, सबकी इच्छा थी कि हम उसको एक बार देखें. किसकी इच्छा थी? जो 4 यंग राजकुमार थे उनकी इच्छा थी कि वो उस ब्यूटिफुल रेड बर्ड ट्री को देखे. ओके, वन डे, एक दिन की बात है, द एल्डेस्ट प्रिंस वेंट इन टू द वुड टू लुक फॉर द रेड बर्ड ट्री. एक दिन की बात है, द एल्डेस्ट प्रिंस, जो बड़ा राजकुमार था, वेंट इन टू द वुड टू लुक फॉर द रेड बर्ड ट्री. वो जो रेड वुड ट्री की उसकी लकड़ी देखने गया. ओके, सो ये हमारा पैराग्राफ था. Once upon a time, in the city of Banaras, there were 4 young princes. They had heard many stories about the beautiful red bird tree. It grew deep in the forest. Each of them wished to see it. One day, the eldest prince went into the wood to look for the red bird tree. तो ये हमारा एक पैसेज कंप्लीट हो गया, जिसको मैंने हिंदी और इंग्लिश में आपको डिस्क्राइब किया. अब आफ्टर दैट मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं और आपको उन क्वेश्चंस को पढ़ के उनका आंसर इन्हीं इसी जो पैसेज की लाइंस हैं इसमें से फाउंड करना है. क्लियर? मैंने जो आपको दिया है वो आप इसी से फाउंड करेंगे. सो जस्ट हैव अ लुक दिस. दिस इज सम क्वेश्चन आंसर जो आप फाउंड करेंगे बुक से देख के. ओके, सो
द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिटी, यानी जो वो सिटी थी उस सिटी का क्या नाम था. ओके, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिटी. सो हैव यू सीन दिस, हमने फर्स्ट लाइन पढ़ी थी, वंस अपॉन अ टाइम इन द सिटी ऑफ बनारस, यानी उस सिटी का नाम क्या था, बनारस. तो हम इसका आंसर लिखेंगे, द नेम ऑफ द सिटी इज, फिर हम बनारस, एंड द स्पेलिंग ऑफ बनारस इज BENARES. तो आपने देखा कैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को आइडेंटिफाई किया. इससे हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिटी, और इसका आंसर हमें पहली लाइन में मिल गया, वंस अपॉन अ टाइम इन द सिटी ऑफ बनारस, मीन्स कि जो सिटी का नाम है वो बनारस है. तो हमने द नेम ऑफ द सिटी क्वेश्चन से लिया एंड इज बनारस. तो ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. द सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर डिड द ट्री ग्रो, जो रेड बर्ड ट्री था वो कहाँ पे निकलता था. ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था कि जो रेड बर्ड ट्री था वो डीप इन द फॉरेस्ट, यानी घने जंगलों में निकलता था. तो देखिए यहाँ पे लिखा है, दे हैड हर्ड मैनी स्टोरी अबाउट द ब्यूटिफुल रेड बर्ड ट्री, इट ग्रो डीप इन द फॉरेस्ट. ठीक है, इट ग्रो डीप इन द फॉरेस्ट, तो हमारा आंसर होगा फॉरेस्ट में निकलता था. तो हम कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड द ट्री गो, तो हम द से उठाएंगे, द ट्री ग्रो, उसके बाद से हम यहाँ से उठाएंगे डीप इन द फॉरेस्ट, डीप इन द फॉरेस्ट. ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चन आंसर को आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी क्वेश्चन के आंसर को पैराग्राफ के थ्रू. तो आपको समझ में आया होगा. अभी सिर्फ मैंने आज आपको एक कराया है, कल मैं आपको एक और कराऊंगी जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप बहुत अच्छे से निकाल सकें चीज़ें. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आए तो उसका आंसर आप इजीली डिफाइन कर सकें. सो गाइस, नाउ आप सेम चीज़ अपनी कॉपी में करिए, और इसके अलावा भी और भी पैसेजेस हैं जिसे आप पढ़िए, खुद से उसके क्वेश्चंस कोशिश करिए, या अपने पेरेंट्स से कहिए मुझे क्वेश्चंस लिख के दें, और आप उसके आंसर्स आइडेंटिफाई करिए. आंसर ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा लिखिए, आप वन वर्ड में भी आंसर लिख सकते हैं, बस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए. कैसे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिटी, तो हमने लिखा द नेम ऑफ द सिटी इज़ बनारस, आप लिख सकते हैं सिर्फ बनारस. ओके, सो आई होप यू लाइक इट. टुमारो आई विल कम विद अ न्यू टॉपिक, टिल देन हैव अ नाइस डे.